उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में समाज कल्याण अधिकारी पद पर तैनात विनोद कुमार यादव की आज सुबह लखनऊ में कोरोना से मौत हो गई। विनोद कुमार यादव का काफी समय से कोरोना महामारी का इलाज लखनऊ के पीजीआई में चल रहा था। समाज कल्याण अधिकारी की जैसे ही सूचना, विकास भवन सहित सरकारी दफ्तरों में हुए लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। बताते चले कि व्यवहार से मृदुभाषी एवं मिलनसार स्वभाव के समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात विनोद कुमार यादव कुछ दिन पहले जनपद में ही कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिनका उपचार आजमगढ़ के पीजीआई में चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए लखनऊ के पीजीआई ट्रांसफर कर दिया गया था। कल देर शाम कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन घर आने के बाद अचानक उनकी और हालात खराब हो गई। घर वाले जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। लगभग 3 वर्षों तक जनपद में रह चुके विनोद कुमार यादव काफी व्यवहार कुशल एवं मृदुभाषी स्वभाव के थे। उनकी मौत से विकास भवन कार्यालय में तैनात कर्मचारी काफी शोकाकुल हैं। आज सवेरे 5 बजे सूचना आई कि हमारे अधिकारी थे विनोद कुमार यादव, जो कि कोरोना संक्रमित हुए थे, उसके बाद उनको आजमगढ़ पीजीआई में रेफर कराया गया था। बाकी उनके सेहत में कुछ सुधार आया था, उसके बाद नेगेटिव हुए वो, तो उसके बाद फिर उनको रेफर कर दिया गया लखनऊ पीजीआई में, जहाँ उनका इलाज चल रहा था। उनके कल उनको डिस्चार्ज हो गए थे, उसके बाद घर आए तो उनका आज सवेरे 5 बजे देहांत हो गया। इसकी सूचना जो समाज कल्याण अधिकारी पद पे यहाँ पे तैनात थे मऊ जिले में, कैसे पता चला कि कोरोना संक्रमित ही में मौत हुई है या ये? इसकी पुष्टि यहीं पे हुई थी, मऊ में ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे वो, और उसके बाद उनका इलाज चल रहा था। कितनी उम्र रही होगी उनकी? उनका फरवरी में रिटायरमेंट था, 59 ईयर के हो गए थे वो। उनका गाँव कहाँ था? गाँव रहने वाले वो लखनऊ के। ठीक है, यहाँ कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं? यहाँ 3 साल हो गया, 3 साल होने जा रहा था।